स्वागत करते हैं जी तुहाडा प्राइम रिकॉर्डिंग वीडियो टूडे चैनल पर। मैं राजा धालीवाल। कल जिवें सानू सब नू पता है कि प्रदीप कुमार की अणपछाते व्यक्तियों वालों गोलियां मार के हत्या कर दी गई सी। सो उन्हां दी बॉडी अज कोटकपूरा नाम चर्चा घर के रखी हुई है, जिथे कि डेरा प्रेमी भारी गिनती दे विच पहुँच रहे हैं। और सरदार हरचरण सिंह जो 45 कमेटी की बैठक हुई है जी, की फैसला लिया गया कमेटी वालों संस्कार बारे, की गल की? कमेटी के साडे इस इलाके के जो अलग अलग ब्लाकों की नुमाइंदगी करने वाले सेवादार ने जिम्मेवार ने उन्हां दी एक मीटिंग की है, जिहदे च सब तो पहली तो ये सारयां दे असीं विचार जानने की कोशिश की है। और हर एक दे अपने अपने विचार सी, हर एक दे अपने अपने सुझाव सी, हर एक दे अपने अपने सवालात सीगे। वो सवालात दे विच हुण तक जो प्रशासन दे वल्लों कम किया गया, मीडिया दे विच भी आ चुका है, काफ़ी डिवेलपमेंट है जिहड़ी इस केस दे विच हो चुकी है, वह भी उन्हां दे नाल असीं सांझी कीती है। और उस तो बाद जिन्ना काम होना बाकी है, हजे पूरे केस नूं ट्रेस आउट करन दे विच किन्ना समां लगेगा जां की प्रशासन दे वल्लों जिहड़ा हैगा सानूं आश्वासन दित्ता गया, वह भी उन्हां दे नाल असीं गलबात रखी है। और वह गलबात करन तो बाद समूहिक रूप दे विच असीं सारयां नूं शांति की अपील भी की है भी शांति बना के रखी जाए इस संवेदनशील मुद्दे दे उत्ते। जिहड़ा साडी भाईचारक सांझ है, वह भाईचारक सांझ नूं किसी भी हालत जिहड़ा असीं टुट्टण नहीं देना चाहुंदे। पंजाब दी जो शांति है, जो पीस है, वह बनिया रहे। वह भी सारयां नूं असीं कहीए भी आपदे आपदे इलाके दे विच तुसीं सारे शांति है जिहड़ी वह बना के रखो। तो परिवार के नाल दुख साझा करन वास्ते जिन्ने भी जिम्मेवार पहुँचे उन्होंने सारयां नूं असीं यही गल कही है। और प्रशासन का जो हुण तक का साडे नाल रवैया रहा, जो प्रशासन ने हुण तक जो काम किया वह भी असीं रख्या। हुण उन्हां दे गलबात, उन्हां दे विचार, उन्हां दी सारी गलबात सुनने तो बाद असीं फिर बैठते हैं परिवार के नाल दोबारा गलबात करते हैं। उस तो बाद नैक्सट जी प्रशासन के नाल गलबात होगी, फिर अगे देखते हैं जी किस नतीजे पर पहुँच सकते हैं। पत्रकार सज्जन तुसीं खड़े हो, मैं सारे जी गल कह दिंदा, जिहड़ी कोई डिमांड की गल आ रही है वह बेबुनियाद जी गल हैगी है। परिवार के वल्लों जिहड़ी कोई डिमांड आई है वह एक तो इस केस के नाल संबंधित डिमांड है भी इहदे विच सानू इंसाफ मिलना चाहिए, वह किहड़े लोग सी जिहड़े इस वारदात नूं अंजाम दे के गए, वह कौन लोग है जिन्हों ने इन्हों पिछे तो प्रेरित किया, यह सारी कहानी सामने आवे। परिवार की मंग सिर्फ इंसाफ की है, होर कोई मंग नहीं है। हाँ, ज परिवार की एक मंग है भी ज सानू जिहड़ा आने वाला समय है वो साडी सुरक्षा का की होगा, यह भी उन्होंने जरूर गल रखी है। आई मंग है परिवार की, होर ऐसी कोई मंग नहीं। कंपनसेशन की मंग की गल की जा रही थी, कहते कंपनसेशन मंगया जा रहा, उसको लेकर नहीं परिवार को रोजगार जी। देखो साडे कोल परिवार ने ऐसी कोई गल नहीं रखी है, जे तुहाडे मीडिया दे नाल कोई अलग तो परिवार ने गल की उहदे बारे मैं नहीं कह सकता। हाँ, ये गल तो है आपां नूं वैसे भी दिखती है भी जिहड़ा बंदा कमाउण वाला सी उही चलिया जांदा है, किते ना किते परिवार सोचता। पर इहदी कोई जे आपां कहिए इस केस दे नाल डिमांड रखी गई है जां संस्कार होण दे नाल इहनूं जोड़ के देखांगे तां उह गल नहीं है। मैं दस रहा ना जी, हुण असी जिहड़ा हैगा जिहड़े उत्थों दे लोकल जिहड़े साडे वलंटियर्स ने उहनां नूं मिले हैं, उहनां दी गलबात सुण के परिवार की गलबात सुण के हुण प्रशासन दे नाल असी अगे गल रखण जा रहे हैं। उस तो बाद देखदे हैं कित्थे जाके गल खड़दी है, किन्ना समां। उन्हां दे विचों ज़्यादातर दी इही सीगी भी हुण तक जिन्ने भी जिहड़ा हैगा इत्थे घटनावां वापरियां उन्हां दे विच ज़्यादातर केस आ जिहड़े ट्रेस आउट नहीं होए। प्रशासन दे वल्लों की हुंदा, भरोसा दवा दित्ता जांदा, प्रशासन ने कहिंदा भी इह तुहाडा मसला हल कर देंगे, तो वह मसले हल नहीं होए। सारयां दी ज़्यादातर मंग इही सी भी इह केस नूं जल्दी तो जल्दी हल होवे, प्रशासन इक सॉलिड जी गल सामने लैके आवे, तो फिर आपां नूं जिहड़ा हैगा ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ। 2 ਵਜ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਮੰਨੀਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਆ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਮੰਗ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਜੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, स्वागत करते हैं जी प्रशासन की हुण तक की जो मेहनत की है, तो वह अजे फिर सिर्फ तीन ही है ना जी।
ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਫੜੇ ਗਏ, ਤਿੰਨੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਕੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਆਈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਹ ਬੰਦੇ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਰਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤਾਰ ਜੁੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੋਲਡੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ IG ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਡਮ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ।